दोस्तों, क्या आप भी किसी के मन की बात को जानना चाहते हैं? किसके मन में क्या चल रहा है? अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, किसी के मन की बात को जानने के लिए कुछ तरीके होते हैं और यह तरीके बहुत ही आसान होते हैं, लेकिन इन तरीकों को समझना अति आवश्यक होता है। यदि आप इन तरीकों को समझ लिए तो आप किसी के भी मन की बात बड़ी आसानी से जान सकते हैं। तो चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि किस तरह आप दूसरों की मन की बातें जान सकते हैं। एक छोटा सा गांव था, उस गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई अंधा था, जिस कारण वह हमेशा घर पर ही रहता था, और छोटा भाई खेती करता था। लेकिन खेतों में अधिक जानवर आने से फसलें पूरी नष्ट हो जाती थी, जिसके कारण छोटा भाई बहुत परेशान रहता था। तभी उसे एक तरकीब सूझी और एक दिन उसने सोचा कि खेतों में से इन जानवरों को भगाने के लिए क्यों न मैं अपने भाई की मदद लूं। वैसे भी भैया अंधे हैं, अगर वह खेत में बैठे रहेंगे तो जानवरों की आहट आने पर वह उन्हें भगा सकते हैं, जिससे हमारी फसलें बच सकती है। इसलिए उन्हें मैं खेत में बैठा देता हूँ। यह सब सोच विचार करने के बाद अपने खेत में ही एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और अपने अंधे भाई को खेत में बैठा दिया और कहा, भैया यदि कोई जानवर की आहट आपको सुनाई दे तो आप जोर जोर से चिल्लाना, यह सुनकर वे जानवर भाग जाएंगे और हमारी फसलें नष्ट होने से बच जाएगी। बड़ा भाई खुशी खुशी अपने छोटे भाई की बात मान लेता है और वह उस दिन से खेत में ही रहना शुरू कर देता है। जब भी किसी जानवर की आहट सुनाई देती तो तुरंत वह जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता था, जिससे वो जानवर खेतों से भाग जाते थे। ऐसा करते करते कई दिन बीत चुके थे। तभी एक दिन उसके खेत में एक हिरन भागता हुआ आया और वह खेत की बाड़ को तोड़कर वहां से भाग गया। लेकिन उस हिरन का पीछा करते हुए एक राजा भी उस खेत में आ पहुंचा। तभी राजा की नजर उस अंधे भाई पर पड़ती है और राजा उस अंधे से कहता है, देखो मैं यहां पर एक जानवर का पीछा करते हुए आया हूं, क्या तुमने उस जानवर को देखा है? इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, मैं तो अंधा हूं, मैं किसी जानवर को कैसे देख सकता हूं, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूं कि जो जानवर भागा है वह आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे अपना समय यूं व्यस्त कर रहे हैं। राजा उस अंधे व्यक्ति की बात सुनकर सोच में पड़ गया। वह ये सोचने लगा कि आखिर ये तो अंधा है, फिर इसे कैसे पता कि जिस हिरन को मैं तलाश रहा हूं वो हिरन मेरे लायक ही नहीं है? ये अंधा व्यक्ति कैसे बता सकता है? तभी राजा उस अंधे व्यक्ति से कहता है, कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं कह रहे हो? एक तरफ तो तुम कहते हो तुम अंधे हो, और दूसरी तरफ तुम ये भी कह रहे हो कि जो जानवर यहां से भागा है वो मेरे लायक नहीं है। इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है हे राजन, जिसे आप एक हिरन समझ रहे हैं, असल में वो हिरन नहीं है बल्कि एक हिरनी है, और वह भी गर्भवती है, और जहां तक मुझे ज्ञान है मैंने कभी किसी राजा को किसी गर्भवती हिरनी का शिकार करते हुए नहीं सुना है, और इसी कारण मैं आपसे यह कह रहा हूं कि वो हिरनी आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे अपना समय व्यर्थ ना करें। यह सुनकर राजा और चकित हो गया। वो ये सोचने लगा कि आखिर ये अंधा आदमी ये कैसे जान सकता है कि वो हिरनी है और गर्भवती है। राजा कुछ सोच विचार करने के बाद अपने सेनापति से कहता है, सेनापति मुझे वह जानवर जिंदा चाहिए, क्योंकि मुझे यह पता करना है क्या वो हिरनी है और क्या वो गर्भवती है।
क्योंकि यह अंधा आदमी बहुत विश्वास के साथ कह रहा है। और मुझे इस बात की पुष्टि करनी है, यदि वो हिरणी हुई और गर्भवती हुई तो वो हमारे लायक नहीं है, हमारे शिकार के लायक नहीं है, क्योंकि हम तो एक हिरण का पीछा कर रहे हैं। इसलिए जाओ और पता करो क्या वो हिरणी है। सेनापति राजा से आज्ञा लेकर आगे की ओर बढ़ता जाता है और कुछ देर बाद जब वो वापस लौट कर आता है तो वो राजा को कहता है, हे राजन, इस अंधे आदमी ने जो भी बातें कही है वह बिल्कुल सही है। वह एक हिरणी है और गर्भवती भी है। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह अंधा आदमी कैसे पता कर सकता है कि वह जानवर एक हिरणी है और तो और वह गर्भवती भी है। भला एक अंधा आदमी कैसे सोच सकता है, कैसे जान सकता है, आखिर इसे कैसे पता चला। ऐसे कई सारे प्रश्न राजा के मन में उठने लगे। अब राजा ने ये ठान लिया था कि मुझे इस बात की तह तक पहुंचना है कि आखिर यह अंधा आदमी कैसे जानता है कि वह जानवर एक हिरणी है। यह सोचकर राजा उस अंधे के पास जाता है और उस अंधे आदमी से कहता है, देखो मैं तो ये नहीं जानता कि सच में तुम अंधे हो या नहीं, लेकिन मैं तुमसे एक बात जानना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे प्रश्न का सही सही जवाब दोगे। इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, आप जो कुछ पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, मैं आपको सच सच जवाब दूंगा। इस पर वो राजा कहता है, देखो एक तो तुम कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ तुमने यह भी बता दिया कि जिस जानवर का पीछा मैं कर रहा हूँ वो एक हिरणी है और गर्भवती भी है। आखिर तुम्हें कैसे पता चला। तुम्हारे खेत में और भी तो जानवर आते होंगे, और भी तो जानवर यहाँ से गुजरते होंगे, फिर तुमने यह कैसे अंदाजा लगाया कि वह हिरणी गर्भवती है। तभी वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, आप जिस हिरणी का पीछा कर रहे थे वह हिरणी जब मेरे खेत में आई तो उसकी रफ्तार और उसके भागने की आहट से मुझे एहसास हो गया था कि ये एक हिरणी है और मेरे खेत की जो बाड़ है वो बहुत छोटी है, उसकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं है। यदि कोई हिरण होता तो उस बाड़ को बड़ी आसानी से लांघ जाता, लेकिन वह हिरणी इस बाड़ को तोड़ कर भागी है। और वो यदि इस बाड़ को छलांग लगाकर पार करने का प्रयास करती तो उसके बच्चे को खतरा होता। और उसी डर से मैंने पता लगा लिया कि वह गर्भवती है, इस कारण वो ज़्यादा ऊंची छलांग न लगाकर मेरे खेत की इस बाड़ को तोड़कर भाग गई। इस पर राजा के मन में एक प्रश्न और उठा। राजा ने कहा, किंतु तुम्हें कैसे पता चला कि वह एक हिरणी ही है, और भी तो कोई जानवर यहां से आ सकते हैं। इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, मैं पूरा दिन सुबह शाम यहीं पर बैठा रहता हूं और मेरे सुनने की शक्ति बहुत तेज है। मैं यह भांप लेता हूं कि कौन सा जानवर मेरे खेत में आया है और उसी के आधार पर मैं चिल्लाना शुरू कर देता हूं ताकि वह मेरे खेत से भाग जाए और मेरे खेत की फसल को नष्ट ना कर पाए। राजा उस अंधे व्यक्ति का जवाब सुनकर पूरी तरह से संतुष्ट हो चुका था। वह मन ही मन यह सोच रहा था कि एक आदमी भले ही अंधा हो लेकिन ये तो बहुत ज्ञानी मालूम पड़ता है, इस आदमी से कुछ न कुछ काम तो निकलवाना ही चाहिए। यह विचार लिए हुए राजा वहां से वापस अपने महल की ओर चला जाता है। कुछ दिनों के बाद राजा अपने सेनापति को आदेश देता है कि जाओ जाओ उस अंधे व्यक्ति को महल में लेकर आओ। सेनापति अपने राजा के आज्ञा का पालन करता है और वह तुरंत उस अंधे आदमी के पास पहुंचता है और उस अंधे आदमी को राजमहल चलने के लिए कहता है।
वह अंधा व्यक्ति बहुत चालाक था। वो ये समझ चुका था कि राजा जरूर मुझे कुछ न कुछ काम सौंपने वाले हैं और वह काम मुझे मुसीबत में डाल सकता है। लेकिन फिर भी उस दिन राजा की बात मान ली और वह सेनापति के साथ राजमहल पहुंच गया। राजमहल पहुंचते ही राजा उस अंधे व्यक्ति से कहता है, आप तो बड़े ज्ञानी हैं, आपको किसी भी बात का पता बड़ी आसानी से चल जाता है। आज मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी पतिव्रता है या नहीं। इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, ये कैसा प्रश्न हुआ? इस पर राजा कहता है, मैंने आपसे बिल्कुल उचित प्रश्न किया है, मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, ये सब बातें जाने दीजिए, आपकी शादी को कितने साल हो चुके हैं और अब ये सब आप क्यों जानना चाहते हैं? आपके मन में ऐसे प्रश्न क्यों उठ रहे हैं? इस पर राजा जिद करते हुए कहता है, देखिए, आपको मुझे इस प्रश्न का उत्तर तो देना ही होगा। यदि आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे तो मैं आपको मृत्युदंड दे दूंगा। राजा के मुख से यह बात सुनकर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, यदि आप इस प्रश्न का उत्तर चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेरे एक काम करने होंगे। राजा कहता है, मुझे क्या काम करना होगा, बोलो। इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, इसके लिए आपकी पत्नी को मेरे साथ कमरे में अकेला छोड़ना होगा। उस अंधे व्यक्ति की यह बात सुनकर राजा पहले तो क्रोधित हो जाता है, लेकिन फिर कुछ विचार करने के बाद वह उसकी बात मान लेता है और अपने सेनापति को आदेश देता है, सेनापति जी, इस व्यक्ति को और मेरी पत्नी को एक कमरे में कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दें। सेनापति बिल्कुल वैसा ही करता है। अब राजा की पत्नी और अंधा व्यक्ति एक कमरे में बंद हो चुके होते हैं। तभी वह अंधा आदमी राजा की पत्नी से कहता है, मुझे आपको छूना है। इस बात पर रानी क्रोधित हो जाती है और अंधे आदमी को पकड़कर पीटने लगती है, कभी हाथों से तो कभी लातों से तो कभी पटक पटक कर इस तरह से अंधे आदमी की खूब पिटाई की। उसके बाद किसी तरह से वह अंधा आदमी अपनी जान बचाकर राजा के पास पहुंचता है और वह राजा से कहता है, हे राजन, आपकी पत्नी पतिव्रता नहीं है। यह बात सुनकर राजा अत्यधिक क्रोधित हो जाता है और राजा अपनी तलवार म्यान से निकालकर अपनी पत्नी की ओर जाता है और क्रोधित होकर अपनी रानी से कहता है, रानी, आज मैं जो भी सवाल आपसे करने वाला हूँ उसका मुझे सही सही जवाब दीजिएगा। अगर आपने एक शब्द भी झूठ कहा तो मैं आपका अभी के अभी सर धड़ से अलग करवा दूंगा। तभी वो राजा कहता है, मुझे बताइए, क्या आप पतिव्रता हैं या नहीं? इस पर रानी कहती है, हे राजन, आप भले ही मुझे जान से मरवा दीजिए लेकिन मैं पतिव्रता नहीं हूं। राजा यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ क्योंकि उस अंधे ने जो भी कहा था वो बिल्कुल सच था। यह बात सुनकर राजा तुरंत उस अंधे आदमी के पास पहुंचता है और आकर उस अंधे आदमी से कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी पत्नी पतिव्रता नहीं है? इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, बड़ी सीधी सी बात है, मैंने तो आपकी पत्नी से बस इतना ही कहा था कि मुझे आपको छूना है। और इस बात पर वो इतना क्रोधित हो उठी कि उन्होंने गुस्से में आकर मुझे पीटना शुरू कर दिया। और भला कोई औरत किसी और मर्द को कैसे छू सकती है? लेकिन उन्होंने तो मेरे ऊपर लात घूसे बरसाने शुरू कर दी, तो वो भी तो छूना ही हुआ। और एक पतिव्रता नारी कभी भी पराए मर्द को नहीं छूती। जब मैंने उनसे छूने के लिए कहा था
तो वह उस वक्त मुझे मना कर सकती थी, लेकिन उन्होंने तो मुझे पीटना शुरू कर दिया और देखते ही देखते उन्होंने मेरे पूरे शरीर को छू लिया। अब आप ही बताइए, ऐसी स्त्री पतिव्रता कैसे हो सकती है? इस पर वो राजा कहता है, तुम तो बड़े ज्ञानी मालूम पड़ते हो। अच्छा ठीक है, चलो तुम मेरे एक प्रश्न का और जवाब दे दो। यदि तुमने मुझे इस प्रश्न का सही सही जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। आगे राजा अंधे व्यक्ति से कहता है कि तुम मुझे ये बताओ कि क्या मैं सच में अपने पिताजी का ही बेटा हूँ या फिर किसी और का। इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, इस बात से आपका क्या लेना देना? आप किसी की भी औलाद हो, आखिर आप हैं तो इस राज्य के राजा, इसलिए इस प्रश्न को छोड़िए, जाने दीजिए। लेकिन राजा कहता है, नहीं, मुझे इस प्रश्न का सही सही जवाब चाहिए, अन्यथा ये प्रश्न मुझे परेशान करता रहेगा, इसलिए मैं इस प्रश्न का भी सही सही जवाब जानना चाहता हूँ। यदि तुम इसका सही सही जवाब दे देते हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, इसके लिए तो मुझे आपके माँ के पास भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको अभी के अभी यह बता सकता हूँ कि आप किसकी औलाद हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे एक वादा करें कि आप मुझ पर क्रोध नहीं करेंगे। राजा ने कहा, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम पर क्रोध नहीं करूँगा। उसके बाद वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, आप हैं तो अपने ही पिता के पुत्र, लेकिन आप पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। यह सुनकर राजा बहुत क्रोधित हो उठा और तुरंत तलवार निकालकर अपनी माँ के पास पहुंच जाता है और वहां पहुंचने के बाद अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे सच सच बताइए, क्या मैं अपने ही पिता का पुत्र हूँ या नहीं? यदि आपने मुझे सही सही नहीं बताया तो मैं यहीं पर अपने प्राण त्याग दूंगा, मुझे बताओ माँ क्या सच है। इस पर उस राजा की माँ कहती है, बेटा, तू है तो अपने ही पिता का पुत्र, लेकिन तुम्हारे ऊपर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। जब मैं एक बार नहाने के बाद अपना मुंह आईने में देख रही थी तभी उस कांच के पीछे एक कंजूस सेठ नजर आता है और उसी की छाया तुम पर पड़ चुकी है। यह सुनकर राजा बहुत खुश हो जाता है और वह तुरंत वापस अंधे व्यक्ति के पास पहुंचता है और उस अंधे से कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझ पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है? इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, आपने मुझसे कई सारे सवाल पूछे जिनका जवाब भी मैंने आपको सही सही दिया। यदि कोई और राजा होता तो इसके बदले में मुझे बहुत सारे इनाम मिल चुके होते, लेकिन आपने तो मुझे एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी। इस बात से ही मैंने अंदाजा लगा लिया था कि आप बहुत कंजूस हो। यह बात सुनकर राजा जोर जोर से हंसने लगा और कहता है कि आप जो भी मांगेंगे वह मैं आपको अवश्य दूंगा, लेकिन मुझे यह बताओ कि तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत? तुम किसी भी बात का इतना सटीक और सही जवाब कैसे दे पाते हो? इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, मैं तो वैसे ही अंधा हूँ, यदि मेरी आँखें होती तो मैं किसी की भी मन की बातें बड़ी सरलता से जान लेता। मन की एक भाषा होती है और यह भाषा मनुष्य के शरीर के व्यवहार के रूप में देखी जा सकती है। उसकी आँखों से, उसके होठों से, उसके काम करने के तरीके से और उसके क्रियाओं से यह पता किया जा सकता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। उसके आधार पर हम किसी की भी मन की बातें जान सकते हैं। लेकिन मैं तो जन्म से ही अंधा हूँ, मैं देख नहीं सकता।
इसलिए मैं क्रियाओं से देखता हूँ। यदि मुझे कोई बात जाननी हो तो अगले आदमी को कुछ काम देना पड़ता है, जिस पर वो व्यक्ति किस प्रकार काम करता है, किस तरीके से उस काम को करता है, उसके आधार पर ही मैं ये पता कर पाता हूँ कि आखिर उसके मन में क्या चल रहा है। तभी वो राजा कहता है, तो क्या इसका अर्थ ये हुआ कि मैं भी किसी के मन की बात जान सकता हूँ? इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, अवश्य, किंतु उससे पहले आपको अपने ऊपर काम करना होगा, और वो है अपने मन को शांत करना, अपने मन को वर्तमान में लाना, जिसके लिए मैं आज आपको तीन तरीके बताने वाला हूँ, और यह तीनों तरीके बड़े आसान हैं। किंतु हे राजन, उससे पहले आपको एक काम करना होगा, अपने मन को एकाग्र करना होगा। जब हम अपने मन को एकाग्र करते हैं, वर्तमान में लाते हैं, तो हम दूसरे की मन की बातें जान सकते हैं, क्योंकि वह आदमी अभी भी अपने मन में वर्तमान में ही सोच रहा है, और हमें भी मन को वर्तमान में ही लाना होगा, तभी हम उसके मन की बातें जान सकते हैं। यदि हम अतीत में हुई घटनाओं के बारे में सोच रहे हैं, तो वो जो अगला आदमी वर्तमान में सोच रहा है, वर्तमान में अपने मन में बात कर रहा है, वह हम कैसे जान पाएंगे, क्योंकि हम तो अतीत की घटनाओं में डूबे हुए हैं। इसलिए किसी के भी मन की बातें जानने के लिए सबसे पहले हमें हमारे मन को एकाग्र करना होगा, वर्तमान में लाना होगा। आगे वह अंधा व्यक्ति राजा से कहता है, हे राजन, जो मैं आपको तीन तरीके बताने वाला हूँ, इन तीन तरीकों से किसी के भी मन की बात बड़ी आसानी से जान सकते हैं। उसके बाद वह अंधा आदमी कहता है, हे राजन, जो सबसे पहला तरीका है, वह है आँखों पर ध्यान देना। किसी व्यक्ति से बात करते वक्त उसकी आँखों में देखना, उसकी आँखों पर ध्यान देना, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आँखें बोलती नहीं पर बहुत कुछ कह जाती है। यदि हम किसी व्यक्ति की आँखों के इशारे को समझना सीख जाएं, तो हम यह जान पाएंगे कि व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है, वह क्या सोच रहा है, और अभी वो क्या करने वाला है। मेरे पास आँखें नहीं हैं, लेकिन मैंने अपने गुरु से विद्या सीखी है, क्योंकि बहुत साल पहले मेरे पास आँखें थी, और मैं उस वक्त लोगों के मन की बातें केवल उनकी आँखों से ही जान लेता था। इसलिए यदि आप भी दूसरों के मन की बातें जानना चाहते हैं, तो आपको भी उनकी आँखों पर गौर करना चाहिए, जैसे कि उनका आकार कैसा है, वो कब, कहाँ और किधर देख रहे हैं। यदि उसकी आंखें यहाँ वहाँ घूम रही है जब आप उससे बातें कर रहे हों, तो आंखों को इधर उधर मोड़ रहा है, कभी ऊपर, कभी नीचे, या कभी आसपास, या फिर उसकी आंखें खुश नज़र आ रही हैं, या फिर आंखें निराश नज़र आ रही हैं, जैसे कि चोर होता है। उसकी आंखों में जब हम देखते हैं, तो यह पता चलता है कि आदमी ने कोई गलती की है। ठीक उसी प्रकार जब हम किसी चालाक व्यक्ति की आँखों में देखते हैं, तो आपको पता चलेगा कि उसकी आँखों में क्या भाषा होती है। एक बहुत सीधा और आसान तरीका होता है। यदि आपको ये पता लगाना है कि सामने वाला व्यक्ति आपसे झूठ कह रहा है या फिर सही, तो आपको उसकी आँखों पर ध्यान देना अति आवश्यक है। यदि आपसे बात करते वक्त वह व्यक्ति अपनी आँखें यहाँ वहाँ घुमा रहा है, ऊपर नीचे या दाएं बाएं हर तरफ देख रहा है, तो इसका अर्थ ये हुआ वो इस बात से निकलने का कोई रास्ता ढूंढ रहा है। यदि सामने वाला व्यक्ति आपसे कुछ झूठ कहने का प्रयास कर रहा है, तो वह आपसे नज़र नहीं मिलाएगा, वो यहाँ वहाँ देखेगा, ऊपर नीचे देखेगा, लेकिन वह आपकी आंखों में आंखें डालकर कभी नहीं देख पाएगा, क्योंकि उसे डर है कि आपकी आंखों में आंखें डालकर देखी तो
तो उसका झूठ पकड़ा जाएगा और लोगों को सच्चाई का पता चल जाएगा। और इसी प्रकार कुछ और भी भाषाएं होती हैं। जब आप किसी की आंखों में आंखें डालकर देखना शुरू कर देंगे कि उसके हाव भाव क्या हैं, ठीक उसी प्रकार चेहरे के भी हाव भाव होते हैं, जिससे हम मन की बातें बड़ी आसानी से समझ सकते हैं और उन्हें भी समझना बहुत जरूरी है। कभी कभी कोई व्यक्ति अपने चेहरे से जैसे आंख, होंठ और बहुत सारे अलग अलग व्यवहार करता है। यदि आप किसी व्यक्ति के चेहरे पर गौर करेंगे तो आप आसानी से समझ लेंगे कि वह व्यक्ति निराश है या उदास है या फिर बहुत खुश है या उसे कोई बहुत बड़ा दुख है। वह अपने अंदर क्या महसूस कर रहा है, यह सारी बातें हम उसके चेहरे के हाव भाव से पता कर सकते हैं। फिर चाहे इंसान जुबान से कुछ बोले या ना बोले, लेकिन आप उसके चेहरे से सब कुछ खुद पता कर सकते हैं। आगे वह अंधा व्यक्ति राजा से तीसरा तरीका बताते हुए कहता है, हे राजन, इसी प्रकार तीसरी भाषा भी है, तीसरा तरीका भी है, और वह है हाथों के इशारे और शरीर का व्यवहार। मन की बात समझने के लिए हमें हाथ के इशारे और शरीर के व्यवहार को समझना बहुत आवश्यक है। कोई व्यक्ति जब भी बात करता है तो आपने देखा होगा कि वो अपने हाथों को हिलाता रहता है, अपने हाथों से इशारा करता रहता है। वो बातों के साथ साथ अपना शरीर का जो व्यवहार है उसका भी पूरा उपयोग करता है, जिससे हमें यह पता चल पाता है कि वह व्यक्ति हमारी बातों पर कितना ध्यान दे रहा है और उसके मन में क्या चल रहा है। शरीर के व्यवहार को देखने के लिए उसके हाथ मटकाने, शरीर मटकाने और चेहरे पर बार बार हाथ लाने, हाथों से एक दूसरे को मसलना, ऐसी बहुत सी क्रियाएं होती हैं, उस पर हमें ध्यान देना अति आवश्यक है। मन की बात को समझने के लिए हमें शरीर के व्यवहार को समझना पड़ता है। यदि हम इन तीन तरीकों को सही तरीके से ध्यान देकर इन तीन तरीकों को अच्छे से समझ लेते हैं तो हम बहुत ही जल्दी किसी भी व्यक्ति के मन की बातें बड़ी सरलता से जान सकते हैं। इसलिए यदि आपको किसी की मन की बातें जाननी है तो आप उसकी आँखों पर, उसके चेहरे पर, उसके शरीर के हाव भाव को और उसके हाथों को ध्यानपूर्वक से देखना और समझना होगा, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि आखिरकार उसके मन में क्या चल रहा है और वह क्या सोच रहा है। लेकिन उनसे पहले आपको अपने मन को शांत करना होगा और अपने मन को वर्तमान में लाना होगा, तभी आप उस व्यक्ति के उन सभी क्रियाओं पर ध्यान दे पाएंगे, उन्हें समझ पाएंगे। अन्यथा आप यदि अतीत की घटनाओं में व्यस्त हैं, भविष्य की योजनाओं में व्यस्त हैं, तो आप उस व्यक्ति के हाव भाव पर कभी ध्यान नहीं दे पाएंगे और ना ही आप कभी ये समझ पाएंगे कि आखिर उस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, क्या सोच रहा है। आपने देखा होगा कि ऐसे बहुत बड़े बड़े महात्मा हैं जो बड़ी शांति से आपको देखते हैं और आपको देखकर ही वो बता देते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप उनसे क्या जानना चाहते हैं। और इसका प्रमुख कारण यही है कि वह आपको पढ़ सकते हैं, आपको समझ सकते हैं, आपके मन की बातें जान सकते हैं, क्योंकि उनका मन एकाग्र है, शांत है। और यही कारण है कि वो आपके मन की बातें बड़ी सरलता से समझ जाते हैं। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। उम्मीद है कि अब आप भी किसी के भी मन की बात को जान पाएंगे। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पे अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।